हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे। तो आप सभी के लिए यहाँ पे देखिए, उर्दू का जो आपका सेकेंड चैप्टर है समाप्त हुआ है, सुहेल अजीमाबादी, उसका जो है ऑब्जेक्टिव का लाइव टेस्ट हाजिर हो चुका हूँ लेकर। जी हाँ, जितना मैंने आपको क्लास करा था, मैंने आपको बताया था जितना मैं आपको पढ़ाऊँगा बिल्कुल वो आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा तो आएगा, और जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है मैंने सारा बता दिया था, और उसी का टेस्ट है। अगर आपने क्लास किया होगा तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा। तो चैप्टर 2 है सुहेल अजीमाबादी भाभी जान, ठीक है, उसका देखिए एक से लेकर जितना क्वेश्चन है पूरा टेस्ट यहाँ पर दिया गया है। आप देखते हैं कितने सवालों का आप जवाब दे पाते हैं, ठीक है, अगर आपने क्लास किया तो। ठीक है, तो टेस्ट कैसे देना है मैं आपको चलिए आपको बताता हूँ, क्योंकि आप कितना भी क्लास कर ले तो विश्वास कब होगा आपको कि अगर पढ़ाने वाला बताएंगे यहाँ 100% आएगा, तो अगर क्लास किए होंगे तो जरूर आपका पूरा का पूरा टेस्ट में आप आंसर मार के आइएगा, और इससे आपका विश्वास भी बढ़ेगा और आपको क्लास भी अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो चलिए अगर आपने क्लास किया तो टेस्ट दीजिए, और आपको कितना दम है पूरा का पूरा सही करने का। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको टेस्ट देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन करना है टेस्ट देने के लिए। उसके बाद सर्च करने वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है और लिखना है इंग्लिश में PoIMT.SpaceOF.Study, STUDY और आपको STM लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च कीजिएगा आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा पॉइंट ऑफ स्टडी, आपको क्या करना है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने अगला पेज इस तरीके से खुल जाएगा। अब आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आना है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर आइएगा इसी तरीके से 10th वाले ऑप्शन में, देख लीजिए इस तरीके से नीचे आना है और यहाँ पे क्लास 10th का ऑप्शन दिख रहा होगा, कक्षा 10वीं के सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव का लाइव टेस्ट है ना, इस आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा। अब आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है पर बच्चों, और नीचे की तरफ आना, ठीक है, नीचे की तरफ आना और जिस भी सब्जेक्ट का टेस्ट देना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। तो हमारा उर्दू है तो उर्दू हम के सामने क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने अगला पेज खुल जाएगा, हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे आई नीचे चले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा नीचे दिए गए लिंक से आप उर्दू के हर एक टेस्ट को दे सकते हैं। तो देखिए हम देख रहे हैं पहला चैप्टर अगर नहीं दिए हैं तो उसका आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, क्लिक हेयर पर क्लिक करके। ये हमारा दूसरा चैप्टर है भाभी जान, इसके सामने जो क्लिक हेयर है इस पर हम क्लिक करेंगे और टेस्ट देंगे, ठीक है। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं, जो लोग नहीं दिए पहले दे दीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अगला पेज हमारे सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा, हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टार्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो भी आपका रियल नाम होगा डाल दीजिएगा, ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पहला क्वेश्चन आ रहा है कि सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई, तो जो भी राजनीसर होगा इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। यानी कि जितना आप सही मारते रहिएगा ना, आपने आखिरी में जो आखिरी में जितना आप सवालों का जवाब दीजिएगा पूरा आपको बता देगा, ठीक है, कि आपने कितना सही किया है कितना आपका गलत है। इससे मालूम चल जाएगा कि हाँ जो आपने क्लास किया है वाकई में अच्छे से किया है या आपको में कुछ कमी हो गई, पूरा आपका मालूम चल जाएगा और इससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ पाएगा प्यार बाबू। तो और देखिए टेस्ट देखे कितना आपने सही किया और जो मैंने पढ़ाया क्या पूरा आप जो कि टकराया कि नहीं, ठीक है। ऐसे ही क्लास करते रहेगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसलिए पहले क्लास कीजिएगा और तब टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। टेस्ट दीजिए उसका मैं आपका सोल्यूशन लेकर आऊँगा, ठीक है। फिर मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।